नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे फार्मा स्टॉक की जिसके ऊपर वीडियो मैंने लगभग आप कह सकते हैं 10-15 दिन पहले बनाया था। स्टॉक उन स्तरों से थोड़ा बहुत बाउंस किया है, लेकिन जो मैंने पिछली बार बात कही थी वही बात यहाँ पे फिर कहना वाला हूँ, क्योंकि निवेशक इस स्टॉक को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। क्योंकि स्टॉक अब इतना ज्यादा टूटने के बाद आप कह सकते हैं ना ही बहुत अभी से को ना नीचे तोड़ पा रहा है, जो इसका एक आप कह सकते हैं एक ह्यूज इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ना ही ये ऊपर के उस रेजिस्टेंस को तोड़ पा रहा है जिसके आप जिससे नीचे आज ये बंद हुआ है। तो इस वीडियो में जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर इस स्टॉक में आगे करना क्या है। ये स्टॉक में निवेशक इतना ज्यादा परेशान है दोस्तों, कई निवेशक इतने ऊपरी स्तर में फंसे हैं, कोई 500, कोई 400 और वही बड़ी बड़ी क्वांटिटी में। क्योंकि एक बात समझिए, अब स्टॉक खराब नहीं है, लेकिन स्टॉक जहां बिजनेस करता है, जहां से अपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है, वहां की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी दोस्तों। तो उसी की जो प्रॉब्लम है उसे प्राइसिंग करने के लिए आप कह सकते हैं ये जो स्टॉक है ये बड़ी गिरावट दिखाया है, और अब आप कह सकते हैं कि थोड़ा समय ले रहा है, जो कि दोनों ही चीज दोस्तों पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा, कुछ अच्छी खबर भी है स्टॉक को लेकर के, इन तमाम चीजों पर चर्चा करूंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए सुप्रिया लाइफ साइंसेस लिमिटेड, ठीक है, सुप्रिया लाइफ साइंसेस लिमिटेड, और यहां पाएंगे कि स्टॉक आधे प्रतिशत से भी ज्यादा की गिरावट दिखाया दोस्तों, ठीक है। और ये गिरावट दोस्तों इसलिए नहीं हुई है कि बहुत बड़ी गिरावट है, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि एक बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस को ये आज भी नहीं तोड़ पाया दोस्तों, और वहां से वापस ये गिरावट के साथ बंद हुआ। वो कौन सा रेजिस्टेंस है तो आप पाएंगे दोस्तों, वो रेजिस्टेंस है 250 का, ये देखिए एग्जैक्टली वहां से गिरना शुरू हुआ है। और ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऊपर है 250 और निचले स्तरों में आप देखेंगे तो 230 से आप दो दो चार रुपए ऊपर नीचे कर लें, स्टॉक इसको भी नहीं तोड़ पा रहा है और पिछले काफी समय से इन्हीं स्तरों पर ये कह लीजिए ट्रेड कर रहा है। और आप देखें कि यहां पे मैं क्यों बोल रहा था कि समय बिता रहा है, क्योंकि ये स्टॉक ऊपर से काफी टूट चुका है। देखिए एक साल में आप देखेंगे तो ये स्टॉक आप देखें तो जो ये 570 का लेवल है ना, वहां से काफी हद तक टूट चुका है, बल्कि कितना टूट चुका है अप्रोक्सीमेटली 60% ये स्टॉक टूट चुका है दोस्तों, ठीक है। और अब आप देखेंगे तो जो ये लेवल है ना दोस्तों, ये यहीं पे अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये कौन सी लेवल, निचले स्तरों में आप पाएंगे 233 और ऊपर में जो मैंने कहा 250। तो दोस्तों ये जो 233 रुपए का लेवल है ना, अब ये बड़ा स्ट्रांग है, और बल्कि मैं आपको बताऊं अगर ये भी टूट जाए किसी कारण, बाजार में बड़ी गिरावट होने के कारण, तो 210 माफ कीजिएगा 200 210 रुपए से लेकर के 230 का लेवल रेंज, ये एक मैं कहूंगा सुप्रिया लाइफ साइंसेस के लिए बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा दोस्तों, ठीक है। और अगर आप इसमें निवेशित नहीं है तो मुझे लगता है 210 से 230 के लेवल में आपको जरूर जरूर इसमें निवेश करने की सोचनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि देखिए जो प्रॉब्लम इसमें गिरावट आप देख रहे हैं ना इतनी भयंकर, इसके पीछे का जो कारण है ना वो सिर्फ एक देश है, जो इससे पहले पूरी दुनिया में ऐसी तैसी करने का कारण था वो है दोस्तों चाइना। क्योंकि इस स्टॉक की ना सुप्रिया लाइफ साइंसेस की जो रॉ मटेरियल डिपेंडेंसी है वो चाइना में बहुत ज्यादा है दोस्तों, ठीक है। और आपको पता होगा बीच में चाइना में कोविड इतने रिस्ट्रिक्शन, और कुछ दिन पहले भी सुनने में आ रहा था कि भाई ये रिस्ट्रिक्शन हटेंगे ही नहीं, प्लस कंटेनर ब्लॉकेट हो गया जिस कारण इतने सारे प्रॉब्लम हुई, और चाहे जो शंघाई का पोर्ट है तमाम लॉकडाउन कारण सब बंद हो गए। तो जो रॉ मटेरियल की स्कैरसिटी थी वो इसमें आ गई, जो एक्सपेंसेस थे वो इसमें आ गए, और रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस होने के साथ साथ जो क्रूड ऑयल में बढ़ोतरी हुई जिस कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत बढ़ गया, ये तमाम निगेटिविटी दोस्तों स्टॉक को बुरी कदर हिट की दोस्तों। और ये स्टॉक ऊपरी स्तरों से आप कह सकते हैं मोर देन 60% के आसपास एक समय टूट चुका था दोस्तों। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों कि ये अभी वो समय है कि जब आप देखिए ये एक रिस्की स्टॉक है, और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते बिल्कुल इस स्टॉक से दूर हो जाए, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा जहां रिस्क ज्यादा होता है भाई वहां रिवॉर्ड भी ज्यादा होता है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि सुप्रिया लाइफ साइंसेज में
जो तमाम नेगेटिविटी है अब प्राइज इन हो चुकी है, यानी जो वैल्यूएशन है दोस्तों वो ऑलरेडी प्राइज इन हो चुकी हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यदि आप एक अच्छा स्टॉक एक अच्छी वैल्यूएशन में लेना चाहते हैं जहाँ पे डाउनसाइड है, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई साहब से डाउनसाइड ही नहीं है, क्योंकि मैं जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था वहाँ थोड़ा बहुत तेज भाग भी चुका है, अगर डाउनसाइड नहीं है, लेकिन डाउनसाइड बहुत कम है दोस्तों, डाउनसाइड रिस्क बहुत बहुत ज़्यादा कम है। और ऐसे में जब डाउनसाइड रिस्क कम होता है ना दोस्तों, स्टॉक में निवेश का वो बहुत अच्छा समय होता है, ठीक है। और मैं इसीलिए आपसे कहूँगा कि सुप्रिया लाइफ साइंसेस में अगर आप निवेशित हैं तो मुझे लगता है निचले स्तरों में आता है 210 के आसपास, तो दोस्तों एक फेनोमिनल होगा, आप एक निवेश करके इसको भूल जाए आने वाले 3 से 4 सालों में। और अच्छी चीज़ यह है कि अभी चाइना में जो इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए दोस्तों, जिसके कारण एक ये जो जीरो कोविड पॉलिसी थी ना, जीरो कोविड को लेकर के जो बेवकूफ़ों में इन्होंने पॉलिसी जारी रखी थी, उस पर शायद थोड़ी सी आप कह सकते हैं ढील देता हुआ दिखाई देगा, ऐसा न्यूज़ निकल के आ रही दोस्तों चाइना की तरफ से। और ये मैं बता दूं बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं संजीवनी बूटी का काम कर सकता है। और इतना ही नहीं, अगर Q3 के नंबर दोस्तों थोड़े भी आपको देखिए अच्छे आते हैं ना, स्टॉक में एक आप कह सकते हैं 10-12% की आराम से आपको इसमें तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, थोड़ा प्रेशर रहेगा, बाजार अगर बड़े स्तर पे गिरता है तो ये ऐसे छूता नहीं रहेगा दोस्तों, इसमें भी गिरावट होगी। लेकिन मैं ये बता दूं अगर बाजार बहुत ज़्यादा गिरता है तो उस गिरावट में बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन सुप्रिया लाइफ साइंसेस का उतना नहीं होगा जितना अन्य कंपनीज का होगा, ठीक है। और मैं इसीलिए कहना चाहूँगा कि यदि आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो रुपये सुप्रिया लाइफ साइंसेस में आप एटलीस्ट आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। मैं बता दूं मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की स्टॉक में कहीं से कोई होल्डिंग नहीं है दोस्तों, ठीक है। मैं हाँ इंतज़ार जरूर कर रहा हूँ 200 रुपये के आसपास आएगा, डेफिनेटली मैं एक कह सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहूँगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म की रहेगी दोस्तों। तो यदि आप कुछ शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं प्लीज स्टॉक से दूर रहें, लॉन्ग टर्म की बात है, लेवल्स बहुत अच्छे हैं, मैं मुझे लगता है आने वाले 1 से 2 सालों में इन स्तरों से स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।